नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे लाडली बहना योजना। मध्य प्रदेश की जो योजना है उसमें तीसरे चरण के आवेदन अभी चालू नहीं हुए, आवेदन कब से चालू होंगे। साथ ही दोस्तों, आपको तीसरे चरण के आवेदन से पहले आपको क्या क्या तैयारी रखनी है ताकि आप इसमें आवेदन आसानी से कर सकें, और इसमें आपको कौन सी चीज़ की आवश्यकता रहेगी, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर से एक लाडली बहना योजना चालू की गई है, उस योजना के जो दोस्तों द्वितीय प्रथम और द्वितीय चरण में आवेदन फॉर्म भरे गए थे, लेकिन कुछ महिलाएँ जो है बच गई है, किसी का आवेदन फॉर्म किसी कारण से नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, अभी तीसरा चरण जो है अभी चालू नहीं हुआ है, जैसे ही तीसरा चरण चालू होगा तो आपको आवेदन करना रहेगा, तो उसके बारे में जानकारी हम आपको देंगे ताकि आप तीसरे चरण के में जो आप बची हुई महिलाएं अपना आवेदन कर सके। साथ ही दोस्तों, आपको तीसरा चरण चालू होने से पहले आपको कुछ जानकारी जो है आवेदन संबंधी वो आपको कंप्लीट कर लेनी, जो भी दस्तावेज है वो कंप्लीट कर आपको रखना है ताकि आप जैसे आवेदन चालू हो आप अपना आवेदन कर ले। हम आपको आगे बताएंगे कि आपको क्या क्या दस्तावेज और क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है ताकि आप इसका आवेदन कर सके। उससे पहले दोस्तों, हम इसके बारे योजना के बारे में जो है दोस्तों इसकी जानकारी देंगे कि आपको जो है योजना का उद्देश्य क्या है, आवेदन प्रक्रिया क्या है, पात्रता क्या है, अपात्रता क्या है, सारी जानकारी हम आपको आगे देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, योजना के बारे में प्रदेश के महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा उनके आर्थिक स्वावलंबन हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त के संदर्भ में प्रदेश में महिलाओं का सर्वांगीण विकास हेतु निम्नानुसारी संकेतकों को दृष्टि रखना आवश्यक है। उसके बाद में दोस्तों, हम इसके बारे में जानकारी देंगे कि आवश्यक दस्तावेज क्या है। तो आवश्यक दस्तावेज में दोस्तों, आपको समग्र परिवार आईडी और सदस्य आईडी होना चाहिए। उसके बाद में जो भी महिला आवेदक है उनका आधार कार्ड से मोबाइल समग्र और अपने आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद में समग्र आईडी केवाईसी होना चाहिए। बैंक खाता जो है दोस्तों आपका स्वयं का होना चाहिए, और साथ में आपका बैंक खाता एनपीसीआई डीबीटी एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों, हम योजना के उद्देश्य महिलाओं के स्वावलंबन एवं उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार को बनाए रखना, महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक स्वावलंबी बनाना, परिवार स्तर पर निर्णय लिए जाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना। इसके जो आवेदन प्रक्रिया है दोस्तों, आवेदन फॉर्म ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय कैंप स्थल पर उपलब्ध होंगे, यानी कि प्रथम राउंड और द्वितीय राउंड में जिस तरीके से आवेदन फॉर्म भरे गए थे अपने ग्राम पंचायत वार्ड में, उसी तरीके से दोस्तों तीसरा राउंड जब चालू होगा तो उसमें आपको जो है दोस्तों अपने ग्राम पंचायत कार्यालय या वार्ड कार्यालय कैंप जो भी है वहां पर जाकर आवेदन करना रहेगा। उसके बाद में कैंप स्थल ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय पर आवेदन फॉर्म की लाडली बहना पोर्टल ऐप में प्रविष्टि की जाएगी, यानी कि ये जो है इसमें लॉगिन कर जो ग्राम पंचायत की या कैंप स्थल या वार्ड कार्यालय जो भी प्रभारी है वो आपके आवेदन को ऑनलाइन करेंगे। उसके बाद में आवेदन फॉर्म की प्रविष्टि के दौरान महिला की का फोटो भी किया जाएगा। आवेदन फॉर्म की प्रविष्टि के बाद प्राप्त ऑनलाइन आवेदन क्रमांक को पावती में दर्ज करके आवेदक को दी जाएगी। यह है दोस्तों आवेदन प्रक्रिया। अब हम इसके बाद में बात करेंगे कि आपको आवेदन फॉर्म में क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। उससे पहले दोस्तों, इसकी पात्रता जो है इसमें आप मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी हो, यानी कि महिला मध्य प्रदेश की निवासी होनी चाहिए, विवाहित हो या जिनके विधवा तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी इसमें शामिल होगी। आवेदन में कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर लियो तथा 60 वर्ष की आयु से कम ना हो, यानी कि 21 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु वाली महिला इसमें आवेदन कर सकती है। इसकी अपात्रता जो है जिनके स्वयं परिवार की सम्मिलित रूप से 100 घोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते। जिनके स्वयं परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो वो भी आवेदन नहीं कर सकते। जिनके स्वयं परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग उपक्रम मंडल स्थानीय निकाय में नियमित स्थायी कर्मी संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेनानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहे हो वो भी इसमें आवेदन नहीं कर सकता। यानी कि दोस्तों, इसकी पात्रता और अपात्रता जो है दोस्तों सेम प्रथम और द्वितीय चरण के समान ही रहेगी।
उसके बाद में दोस्तों योजना के लाभ, प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1250 रुपये प्रति माह से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार से लिंक DBT इंडेड बैंक खाते में किए जाएंगे। परिवार की किसी भी 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रति माह राशि रुपये 1250 से कम जितनी राशि प्राप्त हो तो उस महिला को 1250 तक की पूर्ति की जाएगी। ये इसके जो है दोस्तों लाभ है, क्रियान्वयन है इसके। आप ये जो है दोस्तों योजना है तो आवेदन पोर्टल मोबाइल ऐप माध्यम से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इस हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाए। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदिका को द्वारा पूर्व से ही आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरने की सुविधा होगी। उक्त प्रपत्र कैंप ग्राम वार्ड कार्यालय आंगनवाड़ी केंद्र में उपलब्ध होंगे, जो हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद में उक्त भरे प्रपत्र की प्रविष्टि कैंप वार्ड ग्राम पंचायत कार्यालय प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जाएगी। आवेदन पत्र भरने की संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी। उसके बाद में प्रशासनिक निर्देश भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके आवेदन फॉर्म आपको कहाँ से प्राप्त होगा और आवेदन कैसे फिल करेंगे और आवेदन के साथ में आपको क्या जानकारी लगेगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के जो आवेदन फॉर्म है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर रहेगा। तो ये आवेदन फॉर्म आपको जो है दोस्तों इसको प्रिंट करा लेना है। प्रिंट करने के बाद में इसमें जो भी जानकारी दी गई है वो जानकारी आपको फिल करना है। साथ ही दोस्तों ये जो आवेदन फॉर्म है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप ये आवेदन प्रिंट कर ले और उसके बाद में जो भी जानकारी पूछी गई वो जानकारी आपको फिल करना है। जानकारी भरने के बाद में दोस्तों आवेदन कंप्लीट कर लेना। आवेदन कंप्लीट करने के बाद में दोस्तों आपको जो आवेदन फॉर्म है इसके साथ में आपकी जो भी परिवार की समग्र ID हो परिवार की समग्र ID आपको लगाना है। साथ ही दोस्तों आपकी परिवार ID समग्र ID जो है व्यक्तिगत समग्र ID को आपको जो आपके आधार कार्ड से जो है दोस्तों आपको लिंक करवा लेना है, यानी कि आधार से KYC करवा लेना है, तभी आपका आवेदन फॉर्म होगा। उसके बाद में दोस्तों आपका जो बैंक पासबुक है बैंक पासबुक लगेगा, आपके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी। साथ ही दोस्तों आपका जो बैंक खाता है, यदि आपका बैंक खाता अभी DBT NPCI एक्टिव नहीं है तो उस स्थिति में आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा ले और अपने बैंक अकाउंट को DBT और NPCI एक्टिव करवा ले ताकि जब इसकी तीसरे राउंड के आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे तो आपको समग्र ID परिवार ID आधार कार्ड बैंक पासबुक लेकर आपको जाना है। और उसके बाद में आवेदन करने के बाद में जो है दोस्तों आपके यदि सारी जानकारी सही होगी तो आपका आवेदन सत्यापित हो जाएगा और आपको इस योजना का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से लाडली बहना योजना में तीसरे चरण से पहले आपको जो तैयारी करनी है तो आप इस तरीके से अपने दस्तावेज तैयार करवा ले, अपने समग्र ID को आधार से KYC करवा ले, आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर अपडेट करवा ले, तीसरी आपको आपके बैंक खाते को आपके आधार कार्ड से जो है लिंक करवाना है। साथ ही दोस्तों आपको बैंक खाता आपका जो है आधार से DBT और NPCI एक्टिव करवा लेना है। ये सारे दस्तावेज और सारी जानकारी आप कंप्लीट करवा ले, उसके बाद में जब तीसरे राउंड के फॉर्म चालू होंगे तो उसमें आप आवेदन करोगे तो आप योजना में पात्रता रखोगे और आपको योजना का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हम किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।